वेल दोस्तों, बिग बॉस सीजन 14 से जुड़ी हुई एक और धमाकेदार और एक्सक्लूसिव खबर को लेकर एक बार फिर हम आप सभी दर्शकों के सामने हाजिर है। दोस्तों, बिग बॉस सीजन 14 के घर से एक और सदस्य बाहर हो चुका है। उस सदस्य का नाम है शार्दुल पंडित। हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए दो सदस्य नॉमिनेट हुए थे। एक का नाम है शार्दुल पंडित और दूसरे का नाम है रूबीना जिलायक। रूबीना जिलायक को भारी भरकम वोट मिल रहे हैं दोस्तों, और साथ ही साथ बिग बॉस सीजन 14 के घर के बाहर जो जनता जनार्दन बैठी है ना दोस्तों, रूबीना जिलायक के गेम को काफी ज्यादा पसंद कर रही है। और ये तो होना ही था, शार्दुल पंडित को कम वोटों के आधार पर बिग बॉस सीजन 14 के घर से बाहर आ चुके हैं। और शार्दुल पंडित ने बाहर आते ही हमारे न्यूज चैनल से बात करते हुए एक्सक्लूसिव उन्होंने इंटरव्यू दिया। क्या कुछ खास कहा शार्दुल पंडित ने, आइए हम आपको बताते हैं आज के इस खास रिपोर्ट में दोस्तों। लेकिन इससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन के घंटे को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बिना देरी के हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने शार्दुल पंडित से ये पूछा कि आपके इविक्शन पर आपको क्या लगता है, क्या आप शॉक हो या फिर आप नॉर्मल हो? तो शार्दुल पंडित ने कहा, मुझे तो पहले से पता था कि मैं इस हफ्ते घर से बाहर हो रहा हूं। और साथ ही साथ शार्दुल पंडित से जब ये पूछा गया कि काल कोठरी टास्क के बारे में आप क्या कहना चाहते हो, तो काल कोठरी टास्क का जिक्र करते हुए शार्दुल पंडित ने ये कहा कि जान कुमार शानू को चूंकि ज्यादा वोट मिले थे, कविता कौशिक को वो भी ज्यादा वोट मिले थे, कविता कौशिक और जान कुमार शानू जो हैं काल कोठरी में जाने के योग्य थे, लेकिन बिग बॉस ने वहां पर एक गेम खेल दिया। बिग बॉस जान कुमार शानू को बचाना चाहते हैं और वो जो है टॉप 5 में तो जगह बनाएंगे ही बनाएंगे, ऐसा कहना है शार्दुल पंडित का। और साथ ही साथ रूबीना दिलायक और साथ ही साथ जो अभिनव शुक्ला और मैं गलत गेम का शिकार हो रहे हैं। रूबीना दिलायक और अभिनव शुक्ला के फैंस जो हैं उनके साथ हैं, उनके समर्थन में, उनके सपोर्ट में हैं, इसी वजह से वो अब तक बिग बॉस के घर में टिके हुए हैं। और साथ ही साथ उनका ये कहना है कि शो जो है वो बायस्ड होता हुआ जा रहा है कुछ सदस्यों को लेकर, जान कुमार शानू इसमें सबसे बड़ी वजह है। और साथ ही साथ निक्की तंबोली को भी सलमान खान काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। शार्दुल पंडित का ये कहना है बिग बॉस के मेकर्स भी उन्हें लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। अगर हमने उनसे पूछा कि कौन घर में सबसे अच्छा जा रहा है तो शार्दुल पंडित ने यह जवाब दिया, रूबीना और अभिनव काफी सही जा रहे हैं। और साथ ही साथ जब हमने पूछा कि कौन गलत जा रहा है तो एजाज खान का नाम लेते हुए दिखाई दिए। वेल दोस्तों, आज के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। शार्दुल पंडित के वीक्षण पर आप क्या कहना चाहते हैं, प्लीज हमें अपने कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। तब तक ले बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ क्विक टीवी न्यूज की रिपोर्ट।